नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज में आज बातचीत करेंगे राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत कौन है ये बाखूबी आप पिछले 15 महीनों से जान रहे हैं, लेकिन इन दिनों जो लगातार वो चेतावनी दे रहे हैं मोदी सरकार के साथ साथ योगी सरकार को, ये समझना और इस पहलू को समझना बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, उन्होंने जो आज बयान दिया ना वो तो और भी जो है चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आज जो उन्होंने बयान दिया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। तो आज उन्होंने क्या कहा ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इससे पहले बताते हैं आपको कि लगातार पिछले कई महीनों से मोदी सरकार के साथ साथ कई ऐसे राज्य सरकार को भी धमकी देते या फिर चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी सरकार के अलावा योगी सरकार को भी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जाकर कांग्रेस सरकार को भी फटकार लगा चुके हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो है वो पूरी तरीके से तैयार है और वो कभी भी जो है वो सड़कों पे आ सकते हैं, जैसा कि पिछले 15 महीने से तमाम बॉर्डरों पे वो बैठे हुए थे। गाजीपुर बॉर्डर पे वो थे और उनके किसान संगठन और जो है सिंगू बॉर्डर और टिकरू बॉर्डर पे तमाम जो है नेताओं के साथ बैठे हुए थे। लेकिन अब सवाल ये है कि किस बात को लेकर वो धमकी दे रहे हैं, क्योंकि 3 नए कृषि कानून तो वापस हो चुके हैं। दरअसल उनकी जो 6 मांगे और थी, जिसमें से मुख्य मांग एमएसपी पर लिखित रूप से जो मांग थी उसको लेकर वो बार बार कह रहे हैं, और दूसरा जो एक और मुख्य मांग है वो ये कि किसानों पर जो एफआईआर दर्ज हुए थे वो अब तक जो है वापस नहीं लिए गए हैं। इसलिए अब जो धमकी दे रहे हैं तो उसको लेकर वो धमकी देते रहे, और अब धमकी इस बात को लेकर दे रहे हैं कि थाना जो पुलिस प्रशासन है, थानेदार अगर ट्रैक्टर ट्रॉलियां को रोकते हैं, राकेश टिकैत ऐसा कह रहे हैं, तो उनको जो है वो भूसा भर देंगे। यानी कि ऐसे शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि अब पूरी तरीके से हम देख रहे हैं कि एक तरफ जहां भारतीय किसान यूनियन खुद में बढ़ता जा रहा है, उसमें फूट मचा हुआ है, कभी कोई भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक बना ले रहा है तो कभी कुछ, और दूसरी तरफ टूटने के बावजूद भी वो न तो मोदी सरकार न योगी सरकार से डर रहे हैं। देखना भी ये होगा कि इनके बयान पर आखिर योगी सरकार क्या जवाब देती है। देखना ये भी होगा कि क्या वाकई में इनकी प्रतिक्रिया पर, इनके बयानों पर कोई ज्यादा उतना जहन में ले नहीं रहा है, क्योंकि पहले जब आंदोलन चल रहा था तो हर बयान का मायने निकाले जा रहे थे, लेकिन अब इतना इनके बयानों को तवज्जो नहीं दिया जा रहा। तो देखना होगा कि आखिर क्या राकेश टिकैत के इस धमकी भरे बयान पर आखिर बीजेपी के किस नेता का रिएक्शन आता है, क्योंकि इस पर लोगों की निगाहें बनी हुई है। और ये भी देखना होगा आखिर में कि राकेश टिकैत लगातार पिछले 6 महीने से कह कुछ रहे हैं वो कुछ नहीं रहा है, क्योंकि हवा में सिर्फ उसकी बातें उड़ रही है, ग्राउंड पे कुछ भी लागू हो रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी खबर देखते हैं स्पेन आई न्यूज़।